इस वीडियो में देखने वाले हम लोग जनरली हैज, हैव और हैड के बारे में। इसके पहले मैंने वर्ब्स इज एम आर के बारे में मैंने पहले ही कर दिया, बता दिया। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले जिसमें हम लोग हैज, हैव, हैड कहाँ कहाँ रखेंगे। क्वेश्चन जनरली ये है, ठीक है, ये है क्वेश्चन और हम लोग को ये पुट करना पड़ता हैज और हैव कैसे बैठेगा। तो पहले बेसिक देख लेते हैं। तो हैज और हैड को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं या फिर बी वर्ब बोलते हैं या हैज वर्ब भी बोलते हैं। तो जनरली ये जो वर्ब होता है हम लोग को दिखाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है या पास्ट टेंस में है। तो जनरली फ्यूचर टेंस के लिए हम लोग विल और शैल का लगाना पड़ता है, लेकिन हैड रहेगा तो पास्ट टेंस हो गया और हैज और हैव होगा तो प्रेजेंट टेंस होगा। तो हम लोग देखते हैं हैज और हैव कहाँ लगता है। तो ये हैज और हैव जो होता है ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है, मतलब जो अभी चल रहा है। लेकिन हैड जो होता है वो पास्ट टेंस के लिए होता है, क्लियर। अब जो प्रेजेंट टेंस होता है तो हैज कहाँ यूज होगा, हैव कहाँ यूज होगा। जो हैज होता है वो जनरली यूज होता है सिंगुलर के लिए, ठीक है, सिंगुलर के लिए। इसको इट, ये सब जगह के लिए क्या यूज होता है, हैज यूज होता है। हैव कहाँ यूज होता है, हैव बहुत जगह में यूज होता है, लाइक आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, उसका कोई भी प्लूरल हो गया उसके साथ क्या बैठेगा, हैव बैठेगा। और हैज कहाँ बोले, जैसे कि सिंगुलर के लिए और इट के लिए। तो ये प्रेजेंट टेंस दोनों ही क्या दिखा था, प्रेजेंट टेंस। अगर अभी प्रेजेंट टेंस में हो रहा है और किसी एक कोई का नाम दिया है और इट दिया है तो हैज होगा। अगर बहुत कोई है या आई है, यू है, दे लिखा है, बहुत कोई है और प्रेजेंट टेंस में, तो हैव हो रहा है। लेकिन जो हैड होता है इन सभी के लिए यूज होता है, मतलब ये सिंगुलर के लिए भी होगा, ये प्लूरल के लिए भी होगा और ये इट, आई, यू, दे, माई, माई के साथ तो नहीं लगता है, इन सभी के लिए ये यूज होगा, ठीक है, क्लियर है, ये सभी के लिए ही यूज होता है। तो ये पास्ट है तो पास्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे, ये हम लोग को पास्ट को दिखाता है। अगर इसी तरह हमें फ्यूचर को चेंज करना हो तो क्या होगा, विल हैव या शैल हैव। यहाँ पर हम लोग विल लगा देंगे हैव के साथ तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा, शैल लगा देंगे तो फ्यूचर हो जाएगा। विल हम लोग खुद के लिए यूज नहीं करते हैं, दूसरे के लिए यूज करते हैं और शैल जो है खुद के लिए यूज करते हैं, आई, वी, यू, अस। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में जैसे दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिए गए शब्दों को सही सुनकर खाली स्थानों को भरो। जैसे लिखा आई डैश इटेन, ये तो देखने का हम लोग को जरूरत ही नहीं है, इधर कोई भी काम नहीं है, हम लोग को हैज हैव बैठाना, ये भी देखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आई के साथ क्या बैठता है, मैंने बताया हैव बैठता है। यू के साथ भी क्या बैठता है, हैव बैठता है, यहाँ पर हैज गलत दिया हुआ है। सी के साथ हैज बैठता है क्योंकि ही, सी जो भी है ये सब क्या होता है, अदर है, मतलब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हैज बैठता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे थर्ड पर्सन हो गया, जैसे सिंगुलर में तो थर्ड पर्सन भी आता है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इन सब के लिए भी क्या बैठता है, हैज बैठता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसके बाद सी के साथ हैज हो गया, सीता के साथ हैव हो जाएगा, दे के साथ क्या हो जाएगा, दे के साथ हैव हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ हैव। द बॉयज, बॉयज के साथ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, बॉयज मतलब इसलिए क्योंकि प्लूरल में है। यू डॉग्स, यू डॉग्स हैज, अब देखो यहाँ पर क्या है, जानवर है तो यहाँ पर हैज हो जाएगा। द डॉग, डॉग के लिए यहाँ पर हैज हो जाएगा, यहाँ पर हैव लिखा हुआ है, हैज हो जाएगा। डॉग्स के लिए हैव हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है। वी के साथ हैव होता है क्योंकि मैंने बताया वी के साथ, दी के साथ, ये सब के साथ हैव होता है, यू के साथ भी हैव। ही के लिए एक सिंगुलर है इसलिए हैज हो गया, इट के साथ हमेशा हैज रहता है। सीता एंड रीता, दो कोई के बारे में है तो सीता एंड सोर, सीता रीता सोर, सो लिए, लिए है, लिया है, लिए है, मतलब हैव। द बॉय रिटेन, हैव रिटेन, द बॉय मतलब एक लड़का है, लिख लिया है, लिया है, इसलिए हैज। योर डॉग डैश, तुम्हारे कुत्ता सो रहे, सो गया, सो गया है, तो यहाँ पर हैज हो गया, डॉग हैज स्लिप्ड। द डॉग्स, द डॉग्स है प्लूरल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, तुम्हारे कुत्ते सो रहे हैं, ठीक है, सो गए, तुम्हारा कुत्ता सो गया, यहाँ पर सो गया है, यहाँ गए हैं, तो गया है, गए हैं, ठीक है, इसके लिए गया है के लिए हम लोग हैज लगाएंगे, गए के लिए हैव लगाएंगे, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं।